छत्तीसगढ़ में जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा को प्रदेश में जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कानून प्रक्रिया बनाना है तो डीजीपी उसका भी प्रारूप पेश करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमर मान नाम के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर जानकारी साझा की है। हमर बेटी हमर मान अभियान के संबंध में कहा है कि जिस समाज में बेटियां सुरक्षित और सशक्त हों, वह समाज लगातार प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धान की फसल के अवशेष और एथेनॉल उत्पादन के लिए रिफाइनरी स्थापित कराने की मांग की है। उन्होंने राज्य में तेल कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक एवं प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना करने की कार्रवाई का निर्देश देने का आग्रह किया है। राज्य में सहयोग के एक संवैधानिक मंच मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल दिखाते हुए एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने अकलतरा विधानसभा से कोरबा जाने वाली सड़क का हाल दिखाया। सड़क के गड्ढे को दिखाते हुए सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री को सड़क का हाल देखने के लिए न्योता भी दिया। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड दिलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल दिखाते हुए वीडियो जारी करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक भी की, जिसमें गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में उपचुनाव दिलचस्प हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी छोटे छोटे शहरों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दावेदारों के लिए वे हार जीत मायने रखेगी। बता दें 27 सितंबर को वोटिंग होगी और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। सीएम शिवराज ने मंच से अधिकारी को किया सस्पेंड। ढिंडोरी में कलेक्टर ने कहा, आपको भी नहीं छोड़ूंगा, गड़बड़ हुई तो सहन नहीं होगी। बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ढिंडोरी जिले के एक दौरे पर थे। यहां पर वो अफसरों पर सख्त नजर आए। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी टीआर अहिरवार को मन से ही निलंबित करने का आदेश दे दिया। गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं, पर कंपनी उससे अपना क्या काम है? गैस एजेंसी वाले नहीं बनाए तो आप काय के लिए हो? नहीं, हम उसको कैंप लगवा रहे थे हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पंचायतों के कैंप के टारगेट दिए ना, उनको कर रहे। भाई 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ, टारगेट कब आया? जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के हैं। अभी 70,000 का पूछो, 70 में से 30 ही क्यों बने, सब क्यों नहीं बने? अरे चल, कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं, चलो। ग्वालियर के हजीरा बिरला नगर स्थित जूता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना शनिवार की है। जब तक आग का पता चलता, आग ने भयानक रूप ले लिया। फैक्ट्री में जूता चप्पल बनाने के लिए प्लास्टिक, फोम और केमिकल से भरा हुआ था, जिससे कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। अंदर काम करने वाले मजदूर आग के बीच में फंस गए। कर्मचारियों ने आसपास की छतों से कूदकर जान बचाई। शिवपुरी में दिखा फिल्म हाथी मेरे साथी जैसा सीन। हाथी ने धक्का मारकर निकाला कीचड़ में फंसे हुए ट्रक को।
एक हाथी सिख समुदाय जत्थे के साथ आया। शुक्रवार को जब इसी जत्थे में शामिल ट्रक कीचड़ में फंस गया तो उस हाथी ने धक्का देकर उसे बाहर निकाला।